इससे हताहत नहीं हुआ है, जिसके खेतों में है वो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो एक भयंकर हादसा को ये जन्म देते। ये तीन पोल हैं, हमने तीनों पोलों का सर्वे किया, आप देख सकते हैं कि सिर्फ व सिर्फ बिजली विभाग की ये कमजोरी कही जाएगी, नाकामयाबी कही जाएगी ये, कि जब ये पोल के लिए बनाते हैं, आप देख सकते हैं वहां पे जो जेसीबी चल रही है, इनको 6 से 7 फुट गड्ढा खोदने का ऑर्डर है। 6 से 7 फीट ये गड्ढा खोदेंगे और खोदने के बाद इसमें फाउंडेशन बनाए जाएंगे। वो फाउंडेशन अगर जो खेत से थोड़ा ऊपर नहीं होते हैं तो फिर वही काम होगा जो हो चुका। मौके पर पहुंच करके जो देखा गया कि ये बिजली का पोल जो है वो जंग लगने से, कहीं ना कहीं जंग लगने से ये ख़राब हो गया, जबकि बिजली विभाग को ये चीज़ पता होती है कि हम किस टाइप का पोल यूज़ करें, किस टाइप का हम, आप देख सकते हैं सारे के सारे इसके चारों पावे मैं मौके पर पहुंच के देख रहा हूँ, ये पूरी तरीके से जंग लगे हुए हैं और जंग लगने से ये कमज़ोर हो गए और कमज़ोर होने से इनकी थिकनेस जो है कि एकदम धीरे धीरे जंग में लग के ये ख़त्म हो चुकी है, जंक ने इसको खा लिया है पूरी तरीके से। और अभी मौजूदा हालात में ये पोल गिरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पे कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही है, जिस वजह से कि ये कहा जा सकता है कि हम ये कहें कि नहीं ये 12 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये कहीं से कनेक्टिविटी दे दें उसकी बात अलग है, लेकिन 12 बजे से पहले स्टार्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि हमने बिजली विभाग के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने ये बोला कि हम कोई टेम्परेरी पोल खड़ा करेंगे, जब तक कि कोई हम टेम्परेरी पोल लगाएंगे जब तक कि ये फाउंडेशन वगैरह बन नहीं जाते हैं। ये रात तक बारह बजे रात तक स्टार्ट होने के लिए सर, तीन पोल है, फाउंडेशन वगैरह भी इसके लिए बनाने पड़ेंगे, बड़े टाइम लगते हैं। नहीं वो कर रहे हैं, वो भी टावर आ रहे हैं, स्पेशलाइज्ड डिजाइन टावर है, वो लगा देंगे हम। फाउंडेशन अच्छा, फाउंडेशन बन चुके हैं, बन चुके हैं। ये चारों पावे गलने के क्या कारण हो सकते हैं, या तो वो जमीन से ऊपर नहीं रहा होगा, या तो आप यहाँ पे दिखाइए हमारे कैमरामैन जी, ये देखिए ये पूरी तरीके से जो इसके फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन खेतों में बिल्कुल चिपका हुआ है, यानी कि किसान अगर खेत में पानी देता है तो इस लोहे से टच करता है, और जाहिर सी बात है कि जब लोहे से पानी टच होगा तो कब तक लोहा उसको बर्दाश्त कर सकता है, उसमें भी लोहे की क्वालिटी होती है किस टाइप के लोहे लगते हैं। लेकिन हमने जो मौजूदा स्थिति देखी है उसमें ये दिख रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर तरीके से जो ये फाउंडेशन है ये खेतों के लेवल में है, जबकि सिस्टम ये कहता है कि खेत से कम इसकी हाइट, आपको क्या लगता है ये बिल्कुल खेत के लेवल में है? आप कहाँ से आए? अच्छा, क्या जेसीबी का मालिक है? बजरी लेकर। अच्छा, बजरी लेके आए। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक आम आदमी बताइए, एक आम आदमी होकर के बताइए कि नहीं ये फाउंडेशन जो है जब खेतों में बराबर के लेवल पे रहेगा तो इसमें पानी से जंग लग सकता है कि नहीं? लग सकता है ना, बिल्कुल। गांव के लोग सेवा में लगे हैं प्रॉपर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले लो जी सर, मौके पे हमने देखा जो फाउंडेशन है, आओ बेटा आप तो बिल्कुल चलने के लेवल में। अरे हमारे यहाँ पे सर साहब ने की मिलेगी, हेल्प कर रहे हैं इनको जो चार्ज है ना, उसके बाद नहीं हमने ये देखा, एक छोटी सी बात आपसे कर रहे थे, आप भी तो बिजली विभाग से ही नहीं, एक बिल्कुल खेत के लेवल में है फाउंडेशन। जब किसान खेत में अपने पानी देता है तो वो पानी जो हमने अभी मौके पर देखा, वो पानी बिल्कुल उसके पाँव में लग रहा था, जो पोल थे आपके उसके बिल्कुल पाँव में लग रहा था, उसके चारों पाँव में जंग लगा हुआ था, तो उससे गिर नहीं था आज नहीं तो कल। आपका सिस्टम क्या कहता है कि नहीं ये कुछ क्या खेत से हाइट पे होना चाहिए? हाइट पे होती है। लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति देखें अभी जा करके तो एकदम लगता है लेवल में है, बिल्कुल लेवल में, खेत के लेवल में। टाइम करते टाइम पे साइड पे आते हो ना, वैसे तो फाउंडेशन ऊपर होती है, फाउंडेशन ऊपर होती है, सिस्टमेटिकली एक आम आदमी को भी पता होता है। हाँ, अभी तो टाइम हो सकता है मिट्टी साथ में लग के वो उसका लेवल पे आ गई, हाइट लेवल भी ऊपर नीचे हो सकती है, आप देख भी सकते हैं। हमने तो मौके पे देखा भी और दिखाया भी है कि प्रॉपर वो खेत के लेवल में है, जबकि हमने और भी पोल देखे हैं जो कि कम से कम 2.5 से 3 फीट खेत से ऊपर होता है।
है जी, थैंक यू। बिजली विभाग के मौजूदा टीम से हमने बात किया तो आपने सुना होगा कि उनका ये कहना है कि जब किसान खेती करता है तो कहीं ना कहीं मिट्टी उस पोल के साथ लग जाती है। अपनी कमी हर एक लोग छिपाता है, अपने आप को बचने की कोशिश करता है, जबकि ये देखा गया है कि हमने अपने आँख से देखा है और आपको हम दिखा भी रहे हैं, जहाँ तक ये बिल्कुल एक प्रॉपर लेवल में है। प्रॉपर लेवल में होने के वजह से जब खेत में किसान पानी देगा तो वो कहीं ना कहीं आप लोग से बिजली। ये भी है कि बिजली के इस तार के नीचे कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिकली ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये पेड़ किसी किसान के खेत में आता है। पीपल का वृक्ष है, जबकि ऑक्सीजन के लिए हो सकता है कि इस किसान ने छोड़ दिया हो और धीरे धीरे ये बढ़ गया, और बढ़ने के बाद हमें जहाँ तक उम्मीद लग रही है, ये मौके पर बताया जा रहा है जो और देखा जा रहा है, उस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तार इसके ऊपर से गुजर रही थी, या तो फिर या कोई हवा के चलते इसकी डाली टच हुई होगी, इसमें तार फंस गए होंगे, इस वजह से भी ये नीचे आने की संभावना है पुल को। आप लोग कहाँ से? बिजली विभाग से। ये जो फाउंडेशन बनता है इसका, ये क्या खेत से थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए इसका फाउंडेशन, या कि खेत के लेवल से ऊंचाई पे होता है? ऊंचाई पे होना चाहिए। हमें मौके पे देखा है, जैसे वो पिछला वाला पोल जो गिरा हुआ है वो हमने एकदम खेत की लेवल में फाउंडेशन को देखा है। तो सर आपको देखने में हो गया, उससे देखो खेत में बाहर कुछ नहीं पड़ा, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है बराबर में है, लेकिन खेत से ऊंचाई है वो। खेत से ऊंचाई कितनी एक ऊंचाई होनी चाहिए खेत? अलग अलग टावर की अलग अलग होती है, कम से कम 1-2 फीट होती है। 1 फीट मतलब खेत में पता क्या था, खेत में टावर लग गया, किसान ने मिट्टी डाल दी तो उसकी ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ने लगी, ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ नहीं, बात तो सही है, लेकिन फिर भी इस चीज को मैनेज करते हुए ही देखना चाहिए। हमने देखा है कि चारों पावे में जंग लगा हुआ है पूरी तरीके से। जो मैंने रीजन था जो आपको बता दिया, आप भी तो बिजली विभाग से सर है, मैंने आपको बता दिया। आप आइए, अब हम ये पहुंच गए दूसरे पोल के पास, एक ही जेसीबी काम कर रही है, तब तक हम मान लें कि 12 बजे तक बिजली आ जाएगी। पिछले लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, यहाँ पे एक ही जेसीबी काम कर रही है, और चलिए आइए देखते हैं कितना खुला हुआ है। इसको हमारे कैमरामैन जी इसको प्रॉपर तरीके से दिखाइए। अभी हमने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये बताया कि कम से कम खेत से 1-1.5 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए 1-1.5 फीट की जगह पे क्या, हम तो ये मानते हैं कि खेत के प्रॉपर बराबरी में ये पोल लगा हुआ है, तो इसमें जंग लगना ही लगना था। और साथ में ये देखिए कि ये कौन सा फाउंडेशन है, ये कौन सा फाउंडेशन है जो कि नहीं उखड़ेगा, इसमें 1 फीट की भी नहीं सीमेंट का जो फाउंडेशन है। आपको क्या लगता है कितने फीट होगा? 7 फुट होगा। हैं? 7। लेकिन ये तो नहीं लग रहा 7 फुट। 7 फुट है ये। हाँ। ये 7 फुट है। हाँ। अंदर गहराई 7 फुट। अंदर गहराई 7 फुट है, लेकिन ये लग तो नहीं। अच्छा ये बताओ, ये खेत के बराबरी में है कि खेत से ऊंचाई पे है? खेत के बराबरी में। ये खेत के बराबरी पे है, ये काम करने वाले लोग हैं, हालांकि टेक्निकल नॉलेज इन लोगों को नहीं है, लेकिन आप भी देख सकते हैं हमारे कैमरामैन जी बड़े ही दूर से एक लेवल में दिखाइए कि मैं यहाँ पे हूँ और ये इससे कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए, हैं? इससे कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए और ये कितनी ऊंचाई पे है। इसका सिस्टम ये कहता है कि खेत से 1-1.5 फीट की ऊंचाई पे कम से कम ये हो, ताकि खेत में जब किसान पानी लगाता है तो इसको जंग ना लगे। और किस प्रकार का लोहा ये यूज़ किया गया कि इसमें जंग लग रहा है, बात तो यहाँ पे आती है। पूरी तरीके से हवा का प्रेशर ले करके, और भी बहुत सारे बिल्डिंग्स बनती हैं जहाँ पे कि ऐसे लोहे का यूज़ किया जाता है, तो ये अब ये सोचने वाली बात है। बिजली विभाग की टीम मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अब आइए चलते हैं हम तीसरे पोल के पास। अब हम इस वक्त पहुँच गए हैं, ये तीसरा पोल है। कल के आंधी में जो पोल गिरे हैं उसमें से ये तीसरा पोल है। इस तीसरे पोल को भी जरा हम देखते हैं ये किस तरीके से ये पोल गिरा है, आखिर में क्या हुआ है। बिजली का पोल ये जो गिरा है, कैमरामैन जी हमारे यहाँ पे दिखाइए, पीछे बिल्कुल पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है इस लोहे में। ये किसका लोहा है हमें इस बात को देखना है कि आखिर में ये लोहा किसका है, तो हमें मिल गया प्रमाण। ये देखो, ये वो लोहा है जहाँ पे पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है। किसान देखिए, ये भी खेत के लेवल में है,
कुछ भी ऊंचाई नहीं है। किसान जब अपने खेत में पूरी तरीके से पानी लगाता है तो आप ये सोच सकते हैं ये पानी इस लोहे के ऊपर लगा और इस लोहे में जंग लगी, जंग लगी, जंग लगने से लोहा कमजोर हुआ और अधिक हवा की वेव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पोल बिजली के तार समेत पलट गया। एक ये भी पॉइंट है, एक ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि पूरा जंग लगा हुआ है इस लोहे में, ये देख सकते हैं आप, यानी कि बिजली विभाग जब ये फाउंडेशन बनाता है जिसपे पोल लगाए जाते हैं तो फाउंडेशन को, ये देखो ये तीसरा चौथा पॉइंट है, ये हमने देखा जो पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है। बिजली विभाग को इस पोल लगा देने के बाद बिजली विभाग ये पूरी तरीके से भूल जाता है कि ये पोल लगा है, इसका कोई मेंटेनेंस भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इतनी मोटी ये बिजली की तारें अगर जो किसी के ऊपर गिर जाती, चलो भगवान की ऐसी कृपा है कि ये किसी के ऊपर गिरी तक नहीं है, किसी को कोई इससे हताहत नहीं हुआ है, जिसके खेतों में है वो कुछ कुछ किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो एक भयंकर हादसा को ये जन्म देते। ये तीन पोल हैं, हमने तीनों पोलों का सर्वे किया, आप देख सकते हैं कि सिर्फ व सिर्फ बिजली विभाग की ये कमजोरी कही जाएगी, नाकामयाबी कही जाएगी ये, कि जब ये पोल के लिए बनाते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो जेसीबी चल रही है इनको 6 से 7 फुट गड्ढा खोदने का ऑर्डर है, 6 से 7 फीट ये गड्ढा खोदेंगे और खोदने के बाद इसमें फाउंडेशन बनाए जाएंगे। वो फाउंडेशन अगर जो खेत से थोड़ा ऊपर नहीं होते हैं तो फिर वही काम होगा जो हो चुका है। कम से कम बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 1 से 1.5 फीट ऊपर ये होना चाहिए, लेकिन किसी ने तो किया होगा ये चीज, जो कि उसने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और आज समस्या सामने है। अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस पोल के पास, जो पोल अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूदा हालात में अभी ये खड़ा है। कहने का मतलब इस पोल को हम ये चेक करेंगे इस पोल में कि क्या ये पोल के निचले हिस्से में जंग लगा हुआ है। आ जाइए हमारे कैमरामैन जी, देना दिखाइए बड़े ध्यान से कि इस पोल के भी निचले हिस्से में जंग लगा हुआ है। इस पोल के निचले हिस्से में जंग लगा हुआ है, आज नहीं तो कल, इस आंधी में नहीं तो कल दूसरे आंधी में इन्होंने भी गिरना है। आप देख सकते हैं कि ये जो पोल के जो चारों हिस्से हैं ये प्रॉपर खेत के समतल हिस्सों के बराबर में हैं। आप देख रहे हैं ये जो पोल के चारों पावे हैं ये प्रॉपर खेत के बराबर में हैं, यानी कि वही बात जो हमने कहा कि किसान जब पानी लगाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से ये नहीं देखेगा कि इस पोल में हम पानी लगा, अरे इस खेत में हम पानी लगा रहे हैं तो इस पोल के पावे से पानी ना लगे। और वैसे भी पंजाब के पानी में नमक है, अगर जो नमक है तो जंग लगना ही लगना है किसी भी हाल में। ये पोल मौजूदा हालात में खड़ा है, इसी तरीके से वो तीनों पोल खड़े थे और तीनों पोल के पावों में जंग लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस पोल के पावे के ऊपर भी मिट्टी है, आप ये देखिए, कैमरामैन जी दिखाइए, ये देखिए ये मिट्टी है जो हम खोद रहे हैं, ये मिट्टी है, जबकि सिस्टमेटिक तरीके से इस पोल को जिसके ऊपर, जिस पावे के ऊपर खड़ा होना चाहिए, वो पावा कम से कम खेत से 1 से 1.5 फीट के ऊपर पे होना चाहिए, ताकि किसान कभी भी पानी लगाए तो पावों के जो पावे हैं उसके पैरों में ना लगे, और पैरों में नहीं लगेगा तो जंग नहीं लगेगा। एक ये बहुत बड़ा कारण है जंग लगने का, आप देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये बिजली कब तक आती है, चलिए जो हुआ सो हुआ, इस मौजूदा हालात को हम देखते हैं कि अब बिजली कब आएगी, और बिजली विभाग की ये नाकामी है पूरी तरीके से कि ऐसा काम अगर जो बिजली विभाग करता रहेगा तो आज नहीं कल खेतों में किसी किसान की मृत्यु होगी, फसल जल जाएगी, तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स किसान के साथ हो सकती हैं। क्या किसान को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है? है, वो मजबूर हैं, वो कहते भी होंगे तो कोई सुनता नहीं होगा।